नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की। सरकार में आज लखनऊ में हूं, तो माननीय सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लफ्ज जिहाद पर कठोर कानून की बात कही है एक बिल के माध्यम से, और जिसमें उम्र कैद तक की सजा है, जुर्माना भी अधिक है, और जो शादी के लिए धर्मांतरण करना, जबरन धर्मांतरण कराना, पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराना, और इस तरह से जो शादी के नाम पर, लफ्ज जिहाद के नाम पर धर्मांतरण किया जाता था, बहला फुसला के किया जाता था, उनको छल करके किया जाता था, उस पर कठोर कानून बनाने का जो निर्णय लिया है वो सराहनीय है। और जिम्मेदारी केवल उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है, ये केंद्र सरकार को भी ऐसा कानून बनाकर पूरे देश के प्रदेशों पर लागू करना चाहिए, और देश के माननीय सभी मुख्यमंत्रियों को भी। केवल भाजपा शासित राज्यों की बात नहीं है, क्या भाजपा शासित राज्यों की बहन बेटियां हैं, क्या उन्हीं के लिए सम्मान है? क्या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए जो एनडीए गठबंधन के हैं उनकी बहन बेटियां नहीं है? उनके यहाँ बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन लफ्ज जिहाद चलता रहे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या वेस्ट बंगाल में महिलाएं बहन बेटियों का जबरदस्ती धर्मांतरण करके शादी की जाती है, उस पर ममता दीदी चुप रहेंगी? ये कानून सबके लिए बनना चाहिए और सबको इस पर काम करना चाहिए। सब कठोरता से काम करें, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी की एक साझी जिम्मेदारी है, बहन बेटियां साझी जिम्मेदारी के साथ निभाई जाती हैं। हमारी ऐसी सनातन परंपरा रीति रिवाज रहा है, और लगातार उस पर उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद, और सभी राज्यों को भी, केंद्र सरकार को भी इस पर काम करना चाहिए। आज एक दुखद घटना भी हुई है, वायनाड में हादसा हुआ, भूस्खलन की वजह से धरती में 95-96 लोगों की मौत हुई, हो सकता है संख्या ये अधिक और हो, दुखद है। उस पर भारत सरकार ने भी 2-2 लाख का मुआवजा दिया है मृतकों के परिवार को, उनके लिए भी श्रद्धांजलि भी है उन परिवारों के लिए, और ये आवश्यक। और जो मुआवजा की हावड़ा मुंबई रेल ट्रैक पर जो दुर्घटना हुई है रेलवे की, उसमें मृतकों के परिवार को श्रद्धांजलि है, और उनको भी भारत सरकार, रेल मंत्रालय और प्रदेश सरकार दोनों मुआवजा दें, उनके लोगों के लिए आगे स्थापन की काम करें, उनको भी श्रद्धांजलि। दुखद घटना है, बहुत दुखद घटनाओं का सिलसिला बढ़ गया है, लेकिन हमें श्रद्धांजलि भी उनको देनी है, और उनके परिवार में शांति हो, उनके परिवार में दुख के समय ऐसा पूरा देश, हम सब लोग मिलकर खड़े हैं, ये भी हमारे लिए एक आवश्यक है कि हम उनके साथ दें जिस तरह से। और बजट बहुत अच्छा पेश हुआ है, उस पर भी भारत सरकार को धन्यवाद, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को धन्यवाद, और हमारे ओलंपिक में जो टीम जीती है, सर्ब जी की जोड़ी ने जो कोरिया में 16-10 से हराया, शूटर मनु भाकर ने रचा इतिहास।